दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि मिस दुधारू को उसके बेटे की हालत के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि आपका बेटा चूतिया नहीं है, बस दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ है। अभी बस सुनकर मिस दुधारू मुस्कुराने लगती है और उस डॉक्टर को वापस भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं पप्पू पिचकारी को जो कि अपने कमरे में टेलीस्कोप लगाकर बहुत ही मुस्कुराते हुए किसी को देख रहा होता है। इसको देखकर हमें लगता है कि शायद पप्पू पिचकारी आसमान में चांद तारों को देखकर खुश हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये हरामी तो अपने सामने वाले घर में एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। अब इस शानदार नजारे को देखकर पप्पू पिचकारी अपनी पिचकारी चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस दुधारू आ जाती है, जिसके बाद वो भी उस टेलीस्कोप में देखकर पता लगा लेती है कि उसका हरामी बेटा क्या कर रहा था, जिसके बाद वो उसके मुंह पर एक चमाट लगाकर उसे रूम में बंद रहने की सजा सुनाती है। दरअसल वो पप्पू पिचकारी को एक साइंटिस्ट बनाना चाहती थी और उसे पता था कि अगर एक बार वो लड़कियों के चक्कर में पड़ गया तो उसकी जिंदगी के लड़के लग जाएंगे, इसलिए उसने पप्पू पिचकारी की पढ़ाई स्कूल में ना कराते हुए उसे घर पर पढ़ाया। अब वो जिस खिड़की से देख रहा था, मिस दुधारू उस खिड़की को भी बंद करवा देती है, जिसके बाद वो उसके सामने चुड़ैलों की तरह हंसने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम पप्पू पिचकारी को कुछ साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जिसका मतलब था कि अब वो साइंटिस्ट बन चुका है, लेकिन वही बाकी साइंटिस्ट की बातों से हमें पता चलता है कि उनकी नजर में पप्पू पिचकारी एक नंबर का चूतिया था। अब वो सभी यहाँ पर इकट्ठा भी इसलिए हुए थे क्योंकि पप्पू पिचकारी उन्हें अपना घटिया सा आविष्कार दिखाना चाहता था, जिसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान को गायब किया जा सकता था, लेकिन इस सिरम का असर इंसान पर सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए रहता है, जिसके बाद वो दोबारा से दिखने लगता है। अब पप्पू पिचकारी की ये सारी बातें बाकी साइंटिस्ट को सिर्फ बकवादियां लगती हैं, लेकिन वही पप्पू पिचकारी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब वो सिरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो इनविजिबल नहीं होता, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट उसे चूतिया बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब अपना मजाक उड़ता देख पप्पू पिचकारी की गांड जल जाती है और वो गुस्से में उन सब पर हमला बोल देता है। अब उनमें से कुछ साइंटिस्ट तो अपनी गांड बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जिनमें फीमेल्स भी थी वो पप्पू पिचकारी के हत्थे चढ़ जाती हैं और पप्पू पिचकारी वहीं पर ही सबको घोड़ी बना देता है। फिर अगले दिन एक न्यूज एंकर सूखी मौसमी सबको बताने लगती है कि कैसे डॉक्टर पप्पू पिचकारी ने अपने ही ग्रुप के 4 साइंटिस्टों को घोड़ी बना डाला, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया गया। पर जज ने उसे फांसी की सजा नहीं सुनाई क्योंकि उसके अनुसार अब वो बावली गांड हो चुका था और हमारे देश के कानून के अनुसार बावली गांडों को कोई सजा नहीं दी जाती, इसलिए डॉक्टर पप्पू पिचकारी को पागलखाने भेज दिया जाता है। फिर एक महीने बाद हम पप्पू पिचकारी को पागलखाने में देखते हैं, जहां वो सबसे नजरें चुराता हुआ भाग रहा था और कुछ देर बाद ही वो गार्ड्स को भी चकमा देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में गार्ड्स वापस उसके पीछे पड़ जाते हैं और पप्पू पिचकारी फिर से उनसे बचते हुए वहां से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पप्पू पिचकारी को पागलखाने से भागे 7 दिन हो चुके हैं। इसके बाद हम एक क्लास में कुछ बच्चों को देखते हैं। ये एक कॉलेज था जो समर वेकेशंस में भी चल रहा था और इस कॉलेज में सिर्फ उन्हीं बच्चों को ही पढ़ाया जा रहा था जो दिमाग से पूरी तरह से चूतिए थे। तभी वहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल मिस कटीला बदन आकर सबको बताने लगती है कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की अचानक बाथरूम में हाथ घड़ी चलाने से मौत हो गई, इसलिए अब आगे की क्लास तुम्हारे नए टीचर डॉक्टर पप्पू पिचकारी लेंगे, जिसका मतलब था कि पागलखाने से निकलकर पप्पू पिचकारी अब एक टीचर बन चुका था। फिर क्लास में आते ही वो सबसे पहले क्लास की सबसे पटाखा लड़की रिया रसीली से एक फिजिक्स का सवाल पूछता है। वो उसे कहता है कि चलो तुम मुझे फिजिक्स के 3 प्रिंसिपल्स बताओ, लेकिन रिया रसीली तो क्या, पूरे क्लास को इसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता था, जिस पर पप्पू पिचकारी कहता है कि फिजिक्स के 3 प्रिंसिपल्स ये हैं। सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां चीयरलीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और वहीं अपना पप्पू पिचकारी उनके उछलते हुए संतरों को देखकर अपनी पिचकारी चला रहा होता है। इसके बाद हम एक कपल गंडभेदक और गहरी खाई को देखते हैं, जिन्हें जहाँ पर भी मौका मिलता था वो वहीं पर ही मजदूरी करना शुरू कर देते थे। फिर कुछ देर बाद जब सभी लड़कियां बाथरूम में नहा रही होती हैं, तभी वहाँ पर गंडभेदक आता है और चुपके से उन्हें नहाते हुए देखने लगता है। उधर हमारा पप्पू पिचकारी भी गंडभेदक को देख रहा होता है कि ये भोड़ी वाला आखिर देख क्या रहा है, जिसके बाद गंडभेदक के वहाँ से जाते ही पप्पू पिचकारी भी उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। अब वो फिर से अपनी पिचकारी चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस कटीला बदन आ जाती है, जिसको देखकर पप्पू पिचकारी ये बहाना बनाने लगता है कि उसकी चवन्नी नीचे गिर गई थी तो वो उसे ढूंढ रहा था। अब मिस कटीले बदन को तो ये समझ आ गया था कि ये चूतिया देख क्या रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि बड़ी के अपनी क्लास पर ध्यान दे, जिसके बाद पप्पू पिचकारी शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम पप्पू पिचकारी को उसके रूम में देखते हैं, जहां पर वो उस इनविजिबल होने वाले सिरम पर काम कर रहा था, लेकिन फिर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब वो दिन में तो अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स की क्लास दिया करता था और रात को अपने एक्सपेरिमेंट पर काम किया करता था, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो उस सिरम को तैयार नहीं कर पाता। लेकिन फिर एक दिन उसकी एक कोशिश रंग लाती है और उसका टेस्ट सब्जेक्ट गायब हो जाता है। अब ये देखकर पप्पू पिचकारी बहुत खुश था, जिसके बाद वो सिरम को अपने ऊपर भी इस्तेमाल करता है और वो भी गायब हो जाता है।
अब अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा होता देखकर वो बहुत खुश होता है और हंसते हंसते वहीं सो जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब हम देखते हैं कि वो फिर से विजिबल हो चुका है। उसी रात पप्पू पिचकारी अपने सपने में उन सभी लड़कियों को बाथरूम में नहाते हुए देखता है और उसे लगता है कि वो लड़कियां उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही हैं। जिसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उसी रात पप्पू पिचकारी रिया रसीली के घर जाकर उसके कपड़े उतारकर उसके रसीले संतरों को घूर घूर कर देखने लगता है। अब पूरी रात दबाकर अपनी पिचकारी चलाने के बाद अगले दिन जब वो क्लास में आता है तभी क्लास शुरू होने से पहले रिया रसीली उसके पास आती है। वो उसे उसकी पिचकारी चूसने के बदले एग्जाम में उसके नंबर बढ़ाने को कहती है, लेकिन पप्पू पिचकारी उसे साफ मना कर देता है। तभी क्लास की बेल बज जाती है और बाकी के स्टूडेंट्स भी क्लास में आ जाते हैं। अब आज पप्पू पिचकारी एक सरप्राइज टेस्ट लेने का प्लान कर रहा था, लेकिन उसके स्टूडेंट्स में से किसी को भी कुछ नहीं आता था, जिसके बाद वो सभी पप्पू पिचकारी को ही बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इस बात से गुस्सा होकर वो उन सभी से टेस्ट पेपर्स लेकर उन सभी को फेल कर देता है। इसके बाद हम एक बिल्कुल ही नीच और घटिया स्टूडेंट बुबा को देखते हैं, जिसे मिस कटीला बदन अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उसे कहती है कि उसके एग्जाम में नंबर सबसे कम आए हैं, इसलिए उसे वापस से इस क्लास को रिपीट करना होगा। अभी सुनकर बुबा भी मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान तो कॉलेज जाकर लड़कियों को बजाना था। पर तभी मिस कटीला बदन बुबा को एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे चरम सुख की प्राप्ति देकर उसका पानी निकाल देगा तो वो उसे पास करके उसे कॉलेज भेज देगी। काश ऐसा ऑफर मुझे भी मेरे स्कूल में मिलता। अभी सुनते ही बुबा खुशी के मारे उछल पड़ता है, जिसके बाद वो मिस कटीले बदन को दबा दबा कर अपने घोड़े की सवारी कराता है और शर्त के मुताबिक मिस कटीला बदन उसे पास कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब सारी लड़कियां बाथरूम में नहा रही होती हैं, तभी पप्पू पिचकारी भी इनविजिबल होकर बाथरूम के अंदर जाकर उन्हें देखने लगता है। लेकिन फिर जब पप्पू पिचकारी से सहन नहीं होता तो वो वहीं पर ही अपनी पिचकारी चलाना शुरू कर देता है। उधर हम एक सफाई वाले को भी देखते हैं, जो कि उन लड़कियों को नहाता हुआ देखकर उनके मजे ले रहा था। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए बुबा देख लेता है और उसे कहता है कि बड़ी के यहाँ से चला जा, जिसके बाद वो भी उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। वहीं उसी रात जब पप्पू पिचकारी सो रहा था तभी उसे बहुत डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ और डॉक्टर के साथ उसके कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर हंस रही थीं। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि अब पप्पू पिचकारी के सभी स्टूडेंट्स उसकी क्लास में ध्यान देने लगे थे। लेकिन फिर क्लास के बाद मिस कटीला बदन पप्पू पिचकारी को अपने चैम्बर में बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि ना तो तुम्हारी वाइफ है और ना ही गर्लफ्रेंड, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा बोलते ही वो अपने सारे कपड़े उतारकर पप्पू पिचकारी के सामने नंगी हो जाती है। अभी देखकर हम व्यूवर्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि पप्पू पिचकारी अब इसकी टांगे उठाकर इसे बजा ही देगा। लेकिन तभी वो उसे मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी कटीला बदन उसे उसका इनविजिबल करने वाला इंजेक्शन दिखाती है। दरअसल उसे लग रहा था कि पप्पू पिचकारी ड्रग्स लेता है और वो उसे ये बताकर ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने उसके कुएं में पानी नहीं भरा तो वो ये बात पुलिस को बता देगी। अभी सुनकर पप्पू पिचकारी उसे पकड़कर चूसने लगता है, जिसके बाद वो उसकी चूचियों में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। अब मिस कटीले बदन की जान लेने के बाद पप्पू पिचकारी दिमाग से पूरी तरह बावली गांड हो चुका था, जिसके बाद वो फिर से इनविजिबल होने वाला सिरम लेकर कैफेटेरिया में आ जाता है, जहां बूबा और बैटी एक दूसरे को दबा दबा कर चूस रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर पप्पू पिचकारी आता है और बूबा के मुंह पर एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा घुसाकर उसे मार डालता है। अभी देखकर बैटी को समझ नहीं आता कि भैंचोद ये सब हो क्या रहा है, जिसके बाद वो अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी पप्पू पिचकारी उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और उसका गला एक पाइप से घोटकर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां बाथरूम में एक दूसरे की चाटने के बाद बाहर जा रही थी, लेकिन तभी उन्हें वहां मेन गेट बंद मिलता है तो वो पीछे के रास्ते से निकलने का सोचती हैं। लेकिन तभी हॉलवे में बैटी की डेड बॉडी देखकर उनकी फटकर 464 हो जाती है और वो भागते हुए अपने क्लासरूम में आ जाती है, जहां पर पहले से ही पप्पू पिचकारी बैठा हुआ था। फिर वो उसे बताती है कि बैटी की डेड बॉडी हॉलवे में लावारिस पड़ी हुई है। अभी सुनकर पप्पू पिचकारी क्लासरूम से बाहर आता है और इनविजिबल होकर वापस अंदर जाता है, जिसके बाद वो एक लड़की को पूरी नंगी करके उसका मुंह एक्वेरियम में डुबाकर उसे मार डालता है और फिर दूसरी लड़की का गला घोटकर उसे भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ रिया रसीली बाथरूम में नहाने जा रही थी, जहां पर पहले से ही पप्पू पिचकारी इनविजिबल होकर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। तभी उसकी चीख सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उस वॉशरूम में जाता है, जहां पर उसे एक लॉकर में रिया रसीली की डेड बॉडी मिलती है। तभी अचानक पप्पू पिचकारी उसे घुसंड मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अब क्योंकि मेन गेट बंद था तो वो पप्पू पिचकारी से बचते हुए छत पर आ जाता है। लेकिन तभी पप्पू पिचकारी उसे वहां से नीचे फेंक कर मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ एक क्लास में गंधभेदक और गहरी खाई दबा दबा कर मजदूरी कर रहे थे। फिर गहरी खाई गंधभेदक से कहती है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गंधभेदक को उसके खेत में मजदूरी करनी ही थी, इसलिए वो उसे वहीं पर ही घोड़ी बना देता है। दूसरी तरफ उस सफाई वाले को भी मिस कटीले बदन की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन गूंगे होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता।
उधर गंध भेदक और गहरी खाई को रिया रसीली की डेड बॉडी एक लॉकर रूम में मिलती है, जिसके बाद जब वो सफाई वाला चिल्लाते हुए उनके पास आता है तो गंध भेदक उसे ही किलर समझकर उसकी पिटाई करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पप्पू पिचकारी भी पहुँच जाता है और गहरी खाई को मारने लगता है, लेकिन गंध भेदक जैसे तैसे करके उससे उसको बचा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू पिचकारी फिर से विजिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गंध भेदक को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो गहरी खाई के पास आता है और उसके सर पर कूद कूद कर उसका कचुम्बड़ बना देता है। अब इतना आतंक फैलाने के बाद पप्पू पिचकारी घर आकर अपना सामान पैक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बंदूक लिए गंध भेदक आ जाता है। अब उसे जिंदा देखकर पप्पू पिचकारी भी हैरान था, लेकिन तभी वो उसका ध्यान भटकाकर जल्दी से खुद को इनविजिबल सीरम लगा लेता है, जिसके बाद अब गंध भेदक ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिस दौरान पप्पू पिचकारी भी वो इनविजिबल सीरम खुद को लगा लेता है और वो भी गायब हो जाता है। अब उन दोनों का ये मुकाबला बराबरी का होता है, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि गंध भेदक के सिर के चीथड़े उड़ चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि गंध भेदक ने पप्पू पिचकारी के पास जाने से पहले पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया था। अब गंध भेदक के मरते ही उसकी बॉडी तो फिर से विजिबल हो गई थी, लेकिन पप्पू पिचकारी अभी भी इनविजिबल था। अब ये देखकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद गंध भेदक ने खुद को ही मार डाला, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी उनके जाने के बाद पप्पू पिचकारी भी अपना सिरम लेकर हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लास्ट में हम वही न्यूज रिपोर्टर सूखी मौसमी को देखते हैं, जो कि सबको बता रही होती है कि कैसे पप्पू पिचकारी ने स्कूल में घुसकर बच्चों और प्रिंसिपल के साथ साथ पियोन तक को भी मार डाला और आखिर में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। अब ये बोलते ही अचानक सूखी मौसमी के कपड़े फटने लगते हैं और पप्पू पिचकारी उसे नेशनल टीवी पर नंगा कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।